से है इंसान के हम रखवाले। जी हाँ, ताकत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, हम ही हैं भारत देश की आन बान शान, भारत के युवा। मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में है, नई पीढ़ी में है। भारतीय युवा सिंहों की भांति सभी समस्याओं का हल निकालेंगे और उन्हीं के प्रयत्न व पुरुषार्थ से भारत देश गौरवान्वित होगा, 21वीं सदी भारत की होगी। ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊँवानी में। मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सेंगिनवाल और आप मुझे सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आज 12 जनवरी 2020 है और आज का दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1984 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने निर्णय लिया कि ये पूरा वर्ष यानी कि 1984 का पूरा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। इसी के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने घोषणा की कि 1984 से हर 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद की जयंती का दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है दीवान सिंह बिष्ट और मैं ग्राम गजार का रहने वाला हूँ। आने वाली जो 12 जनवरी है वो युवा दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, तो मैं सभी युवा वर्ग को अपनी तरफ से, अपने गांव की तरफ से, अपने क्षेत्र की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। युवा का आखिर हमारा जो मानसिकता बन जाती है, हम सोचते हैं तो 18 से 35 साल के बीच में ही युवा होते हैं, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें विचारों से युवा होना चाहिए, चाहे वो उम्र कोई भी हो। आपके अगर विचार नवाचार हैं, नई नई तरह की सोच रखते हैं आप, कैसे समाज को एक समृद्ध तरीका बनाया जाए, सामाजिक व्यवस्था को, उस पर अगर आपके कोई विचार है, उस पर आप कुछ सोचते हैं, उस पर आप कोई कार्य करते हैं, तो मुझे लगता है कि यह एक युवा विचार होता है। उससे उम्र का कोई नहीं रखता कि वो बच्चे ने कहा, बूढ़े ने कहा, अधेड़ ने कहा, महिला ने कहा, पुरुष ने कहा, इससे मुझे नहीं लगता कि कोई संबंध है। लगता है कि आपका विचार एक नई और एक नई सोच और एक नया सकारात्मक सोच और रचनात्मक कार्य के प्रति हो, तो मुझे लगता है कि युवा का एक भूमिका समाज में रहती है। भारतवर्ष में तो वैसे भी आज कहते हैं कि यहाँ पर भारत पूरा युवाओं का है, तो उस क्रम में मैं सोचता हूँ कि हमारे जो युवा हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के बेस पर हों, चाहे वो आपके नासा में हों, वैज्ञानिक की फील्ड में हों, तो या हमारे कृषि के कार्यों में चाहे युवा लगे हों, गाँव क्षेत्रों के, देहातों के, तो सबकी अपनी अपनी एक भूमिका होती है। हम विकास का अर्थ ये नहीं है कि मैं वैज्ञानिक बनूंगा तभी देश का विकास करूंगा। हम अपनी स्थान पर, अपने स्थान पर हम समाज के प्रति अगर जिम्मेदार बने युवा, तो मुझे लगता है कि भारत बहुत ही अच्छी दिशा में जाएगा और जा भी रहा है। सोच भी बदल रही है लोगों की, नए नए तरीके के इनोवेटिव विचार भी आ रहे हैं, तो मैं सभी युवाओं को निवेदन करूंगा कि नए तरीके से सोचे और अच्छा सोचे। अच्छे सोचने का मतलब, सकारात्मक सोचने का मतलब है कि हम नए नए प्रयोग करें, नए सामाजिक कुरीतियों के प्रति हम अपनी आवाज को उठाएं, अपने विचारों में थोड़ा बदलाव लाएं कि जो पुरानी कुरीतियां हैं उन्हें कैसे हटाया जाए, चाहे दहेज प्रथा हो, अभी बाल विवाह तो लगभग समाप्त हो गया है, तो युवा ही ये विचार ला सकता है कि हम किस तरह के निर्णय लें और किस तरह से भारत को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा शब्द का विपरीत है वायु। जिस तरह वायु के बिना धरती पर रहने वाले सभी सजीवों का जीवित रहना असंभव है, उसी तरह एक देश के उज्जवल भविष्य के लिए युवा शक्ति का होना आवश्यक है। ऐसी युवा शक्ति जो सकारात्मक, आत्मजोश और अपने देश की उन्नति की ललक रखती हो। युवा वह अवस्था है जब बच्चे बचपन की उम्र को छोड़ धीरे धीरे वयस्क होने लगते हैं। भारत की तरक्की में बड़ा योगदान यहाँ की युवा शक्ति का है। लगभग 65% आबादी युवा है। बात करें उत्तराखंड में युवाओं की स्थिति पर, तो उत्तराखंड में परिस्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं।
अब युवाओं की पहुंच शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार तक हो रही है। वो राज्य और देश के विकास में योगदान कर रहे हैं, लेकिन आज भी उत्तराखंड का युवा पलायन कर रहा है, जिसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, पर जरूरत युवाओं को अवसर प्रदान कर उन्हें रोकना होगा। नमस्कार सर, सर मेरा नाम विजय सिंह मेहरा है। मैं पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियर का फाइनल स्टूडेंट का छात्र हूँ। सर, एक युवा को जो आजकल मेन समस्या हो रही है वो ये है कि अगर वो चाहता भी है पढ़ना, तो उसे मार्गदर्शन यानी गाइडलाइन देने वाले शिक्षक मौजूद नहीं है। आज युवाओं के सामने कई सारी चुनौतियां हैं, जैसे पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सही मार्गदर्शन और होने वाली गलाकाट प्रतियोगिता। बात करें पोषण की, तो युवाओं के सामने पोषण, संतुलित पोषण एक प्रमुख चुनौती है। भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है। शिक्षा के कई साधन उपलब्ध हैं, पर उचित और रोजगार परक शिक्षा का अभाव है। हाँ, सरकार के प्रयास स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत आज युवा स्किल हो रहे हैं। युवा अवस्था वो दौर है जब युवाओं में कई सारे शारीरिक परिवर्तन आते हैं। शारीरिक परिवर्तन आने की वजह से मानसिक और भावनात्मक परिवर्तनों से भी गुजरना पड़ता है, और भारतीय समाज में अभिभावकों से वो सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, क्योंकि हम आज भी शारीरिक बदलाव, सेक्स एजुकेशन पर बच्चों के साथ खुलकर बात नहीं करते। रोजगार एवं अवसरों के लिए समान अवसर नहीं मिल पाते। भारत जैसे बड़े देश और युवा देश जिसकी औसत आयु 28 वर्ष 4 महीना है, तो रोजगार के अवसर एक बड़ी चुनौती है, और हर रोज रोजगार के लिए कलाकार प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। एक युवा होने के नाते जो हमारे ऊपर सबसे बड़ी समस्या है वो है रोजगार की समस्या। तो रोजगार की समस्या का जो मुख्य कारण मानता हूँ, बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है वो है कि तकनीकी शिक्षा का समय के अकॉर्डिंगली पीछे चलना। तकनीकी शिक्षा जो है वो समय से पीछे चल रही है। हमारे स्कूल के सिलेबस अभी भी पुराने हैं, जो तकनीकी शिक्षा है वो भी पुरानी है और सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है। और एक तरफ आप देखेंगे कि देश का भी आगे निकल चुका है, या तकनीक बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन तकनीक की विधि बहुत पीछे है। नमस्कार, मैं मदन सिंह बिष्ट। आप सभी लोगों को युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि युवा दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन युवाओं के लिए बहुत सारी परेशानियाँ हैं, जैसे कि रोजगार की। अब रोजगार यहाँ से रुद्रपुर जा रहे हैं लोग, तो 5-7 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं। एक तो उनको कंपनी की तरफ से नहीं रखते हैं, दूसरा फिर ठेकेदारी प्रथा में रखते हैं, उनको 5-7 हज़ार रुपये मिलते हैं। जब तक उनकी जवानी है तब तक तो वो काम कर लेते हैं, तो फिर बाद में वैसे ही घर आते हैं, और न घर में कुछ कर पाते हैं फिर, और न फिर वहाँ के रहते हैं। और सरकार भी युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर दे, या वो अपना काम शुरू करे। आज भारत का युवा बुलंदियों को छू रहा है। आज भारत की तरक्की में उसकी युवा आबादी का बड़ा योगदान है। आज 12 जनवरी युवा दिवस के दिन स्वामी विवेकानंद जी के शब्द सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। तो दोस्तों, किसी भी देश का युवा उस देश का भविष्य होता है, उन्हीं के हाथों में देश की उन्नति की बागडोर होती है। आज के परिदृश्य में जहां चहुं ओर भ्रष्टाचार, बुराई, अपराध का बोलबाला है, जो घुन बनकर देश को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, ऐसे में देश की युवा शक्ति को जागृत करना और उन्हें देश के प्रति उनके कर्तव्यों का बोध कराना अत्यंत आवश्यक है। विवेकानंद जी के विचारों में वह क्रांति और तेज है जो सारे युवाओं को नई चेतना से भर दे, उनके दिलों को भेद दे, उनमें नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार कर दे। आज युवा दिवस के दिन हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस देश का युवा इस देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चहुमुखी तरक्कियों में अपना योगदान देगा। एक बार पुनः सभी श्रोताओं को 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। अभी के लिए अपने रेडियो साथी बहादुर सिंह इनवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। वतन की तुमसे है इंसान के हम रखवाले, ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है।